पलटूपुर गांव पहुंचे समाज सेवी जस सिंह अन्ना शोक संतप्त परिवार को बधाया ढाढ़स। मृतक अभिषेक सोनकर की मृत्यु पर क्षेत्र की महिलाएं शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बांधने पहुंच रही हैं। घर पर दो पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, वहीं अभिषेक की मां का रो रोकर बुरा हाल है और वह बेहोश भी हो जाती हैं। अपने पुत्र अभिषेक की मृत्यु का शोक बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। वहीं क्षेत्र वालों का कहना है कि ये काफ़ी उग्र खटिक लोग हैं। हाल ही में एक यादव की बारात गांव में आई थी। उस यादव की बारात को गांव से बाहर खदेड़ दिया था और जब पुलिस आई तब यादव के दूल्हा दुल्हन की शादी हुई। मारपीट का मामला आम के बगीचे का है। कोर्ट के मुताबिक आम का बगीचा पर कोई चढ़कर के आम नहीं तोड़ेगा, जो आम गिरेगा वही लोग बांटकर खाएंगे और बेचेंगे। दो वर्षों से लंबा विवाद चल रहा था। अंततः शंकर जी के मंदिर के पीछे पहले से तैयार रंभा डंडे लाठी ईट सब चुरा कर रखे हुए थे और जमकर लाठियां चलाई। एक तरफ सुभाष मनीजर अभिषेक लल्लन आदि थे, दूसरी तरफ राजेंद्र जोगिंदर राहुल साजुद राजू वीरू धीरू आदि लोग थे। रंभा का वार राहुल कर रहे थे। वहीं सुनीता की मृतक को अंतिम क्षण में प्रहार किया था, यह बात छोटे छोटे बच्चे बता रहे थे। वो मार्ग समय आप रही? हाँ, हम रही। यहाँ पर शांत व्यवस्था कायम की जा रही है शासन द्वारा, लेकिन अभिषेक की माँ रोते रोते इस समय बहुत ही व्याकुल हो चुकी है। अपने पुत्र के शोक में बिल्कुल पागलों की तरह हुआ विलाप कर रही है और खोज रही है। आज ऐसी घटना बहुत कम देखने को मिलती है कि थोड़े से आम के बगीचे के विवाद में यह विवाद दो वर्षों से चल रहा था। दोनों पक्ष आम के बगीचे पर अपना दावा कर रहे थे, लेकिन वह गुस्सा आज फूटा है। यहाँ पे ज़्यादातर सोनकर का परिवार है, खटिक लोगों का परिवार है और ये ज़्यादातर उग्र होते हैं और इनमें उग्रता बहुत ज़्यादा है और शासन यहाँ व्यवस्था कायम करने की सोचते हैं लेकिन सोच नहीं पाते हैं। यहाँ पर उग्रता लोग करते हैं और अभी हाल ही में यादव की बारात आई थी जिसमें इन लोगों ने उस बारात को खदेड़ दिया था और किसी तरह शासन ने दूल्हे को बैठा करके यादव की बारात को दुल्हन शादी कराया था। तो इस तरह से यह काफ़ी उग्र जगह है जिसमें हम जिलाधिकारी महोदय जौनपुर से, पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर से अपील करेंगे कि यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करें और मैं पूरी कोशिश करूँगा, यहाँ पे माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम हो और फिर ऐसी घटना ना घटे।